हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। तो भाई आज मैं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो जो है अपनी इस मैस्ट्रो के ऊपर। अगर भाई आप मैस्ट्रो प्लान कर रहे हैं और आपको अगर ये लेनी है या फिर आप कंफ्यूजन में हो कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आपकी सारी क्वायरीज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि इस स्कूटी को भाई पूरे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी उतार चढ़ाव इसके 4 साल में, मैं हर एक चीज़ जानता हूँ क्योंकि ये मेरे काफ़ी करीब रही है। और इस स्कूटी की जो ये हालत है जो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसमें भाई, वो इसलिए है क्योंकि जिन सड़कों पर चलते हैं वहाँ पर भाई सड़कें नहीं है, वहाँ गड्ढों में सड़कें हैं, सड़क में गड्ढे नहीं है। इसलिए कुछ इसकी बॉडी आवाज़ भी करती है क्योंकि ये फाइबर बॉडी आती है, आप सभी जानते हो। लेकिन ये ड्यूरे थी अगर रोड नॉर्मल होते। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको ये लेनी है, तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी बता दो मैं आपको इस मैस्ट्रो के बारे में, और चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ये अपनी हीरो की मैस्ट्रो जो पूरे अपने 4 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, तो कुछ अभी ऐसी है, थोड़ी धुली वुली भी है तो इसलिए थोड़ी शाइनिंग आ रही है। लेकिन मैं आज आपको इसको कम्प्लीटली पास से दिखाऊंगा। तो पहले इसकी फ्रंट से स्टार्टिंग करते हैं। तो भाई फ्रंट से कुछ ऐसी है, इसके भाई बल्ब चेंज है, ब्लू कलर के इसमें बल्ब लगे हुए हैं। बाकी वाइजर कुछ इस तरीके का है और ये बजता है। बजता क्यों है? क्योंकि भाई जो मैंने अभी आपको बताया कि जिन सड़कों पर चलते भाई वो सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन भाई फाइबर बॉडी होते हुए भी काफ़ी ड्यूरेबल है ये। और ये भाई इसकी कुछ हालत ऐसी है सामने से, कुछ इसके इंडिकेटर इस तरीके के आते थे भाई। बाकी देखो स्क्रैचेस वगैरह आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मतलब काफ़ी रफ यूज़ हुई है ये, क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से अगर इसका फ्रंट टायर हमने चेंज नहीं करवाया, अपनी स्कूटी 35,000 अप्रॉक्स चल चुकी है। मैं आगे के टायर का साइज़ आता है वो 90-90-12, मतलब 12 इंच का इसका रिम है। कुछ इसका ऐसा टायर है MRF का कंपनी से आता है। तो ऐसी कुछ इसकी कंडीशन है भाई 4 साल में चारों तरफ से, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ जितने भी उतार चढ़ाव आए मैं अभी आपके साथ सारे शेयर करूँगा। तो ऐसी कुछ इसकी हालत है। पीछे से कुछ इसकी लाइट भाई 4 साल पहले ऐसी आती थी। और ये नंबर प्लेट इसकी, और ये इसका भाई साइलेंसर जिसका थोड़ा सा कलर उड़ चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ से पेंट हट चुका है। पीछे का टायर भी भाई अभी तक इसका चेंज नहीं हुआ है। मतलब चीज़ तो अच्छी थी ये, जो इसकी ये हालत है ना इस टाइम, जितनी हम इसको मतलब रख सकते थे ठीक तरीके से, मैंने हमेशा रखने की इसको कोशिश करी। जिनकी ये है उनको मैंने सारी चीज़ें बताई, हर चीज़ें इसकी एक्यूरेट रखी। अब मैं इसको बता दूँ कि इसमें 4 साल में दिक्कत क्या आई और वो क्यों आई। 4 साल में भाई इसमें दिक्कत आई थी, एक यहाँ पे ये इसका गियर बॉक्स जो हम स्कूटी का बोलते हैं, इसके अंदर होती वायरिंग्स। जब ये नई नई आई थी तो भाई इसकी सारी सर्विसेज वगैरह जो डन होती थी वो कंपनी से ही होती थी। तो हुआ क्या, एक बार जो मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए, आपको वहाँ की बता रहा हूँ, जो इनके ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं मैं उसकी चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो भी भाई अब कभी जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसने इसका ऑयल निकाला, बंदे ने ऑयल ही नहीं डाला इसमें। सर्विस सेंटर में हम छोड़ गया, उन्होंने उसे बोला हमने भाई इसके अंदर इंजन ऑयल चेंज करना है, इंजन ऑयल के साथ साथ इसका गेयर ऑयल भी हमें चेंज करवाना था। तो उन्होंने इतने केयरलेस थे वो भाई, उन्होंने इसका इंजन ऑयल निकाला, गेयर ऑयल भी निकाला, लेकिन इंजन ऑयल डाल दिया, गेयर ऑयल नहीं डाला। और ये भाई नेक्स्ट डे गई थोड़ी लॉन्ग ड्राइव पे और इसका भाई इंजन हो गया चौक पीछे से, बिल्कुल मतलब जाम हो गया ये वाला टायर इसका। और बीच रोड पे इसने स्केट मार के बिल्कुल मतलब बस वो जिसकी थी वो गिरा नहीं, बच गया, लेकिन ये हो गया टायर जाम। जब ये खुलवाया गया, दिखवाया गया, तो इसके अंदर इंजन ऑयल था ही नहीं, इसकी सारी वायरिंग वगैरह टूट चुकी थी। और ये वाला एरिया हो गया था इसका अंदर से बिल्कुल ख़राब, मतलब जो वायरिंग वगैरह होती है सारी कुछ इसकी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद भाई पहली सर्विस मैंने जब इसकी बाहर करवाई थी, फिर भाई बात शुरू होती है। तब फिर भाई यहाँ पर होता है इसका एयर फिल्टर, इसका एयर फिल्टर भाई 25,000 चल गई थी। उसके बाद वो पहली बार जब मैंने खुलवाया इसका ये एयर फिल्टर, तब इसमें से भाई देखा, तो इसके जो जिस बंदे के पास पुरानी मैस्ट्रो सबको सबको पता होगा कि इसके अंदर भाई जो एयर फिल्टर आता है थोड़ा जिगजैग टाइप का आता है। इसके अंदर भाई फुल मट्टी भरी हुई थी, इसमें इतनी सी जगह नहीं थी कि कहीं से एयर चली जाए। फिर भाई जब इसका एयर फिल्टर साफ़ करवाया, ये सारी चीज़ें इसकी ठीक करवाई, तब भाई उसके बाद ये कुछ दिन ठीक चली। लेकिन इससे जो इफेक्ट आया वो इसके इंजन पे ये आया कि जो इसके वॉल्व होते हैं भाई वो इसके हो गए ख़राब। तो मतलब वो ठीक हमने करा दिया, सारा कुछ इसका ठीक हो गया, लेकिन वो दिक्कत ये भाई बहुत बंदों को दिखाया, किसी को समझ नहीं आया। लेकिन जो बाद में निकल गया दिक्कत, वो यही आई थी कि इसके हो गए थे वॉल्व ख़राब और वो बिल्कुल ही कंप्रेसर नहीं बना रहे थे। जिस बंदे के पास मैस्ट्रो है भाई, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, अपने एयर फिल्टर और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इंजन से रिलेटेड अपने सामने कराना। और जो जिस बंदे को वो इसकी सर्विस के बारे में नहीं पता, तो वो मेरी वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो उस चीज़ को भाई ज़रूर देख लेना कि 4 साल में कुछ ऐसी हालत है भाई। क्योंकि जिन सड़कों पे चली है वो सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए इस पर भाई स्क्रैच वगैरह आपको थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। और जो इसके राइडर हैं भाई वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। बाकी कुछ इसकी बॉडी भाई इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी हमने सोचा था,
लेकिन यहाँ से कुछ इसके एजेस खुल गए हैं क्योंकि सड़कें अच्छी नहीं थी, तो भाई हम स्कूटी को दोष नहीं दे सकते। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बेशक ये फाइबर की है, लेकिन भाई जो दिक्कत आई वो कंपनी की ही वजह से आई थी, क्योंकि इसकी जितनी भी चीज़ होती थी सब टाइम टू टाइम होती थी, लेकिन अगर सर्विस सेंटर वालों ने ये गलती ना करी होती तो शायद ये दिक्कत इसमें ना ही होती। अगर आप प्लान कर रहे भाई मैस्ट्रो को, तो आप भाई बेफिक्र होकर इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि अब जो इसमें वेरियंट आ रहा है वो 125cc का आता है, ये 100cc का आता है, लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ये, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, बस अगर ये चीज़ ना हुई होती तो। तो भाई मेरा तो जब इसे सर्विस सेंटर से भरोसा हो गया, और मैंने जितनी भी अब तक आपको वीडियो इन सब के बारे में बताई होंगी सब में मैंने एक ही चीज़ कही होगी भाई, कि भाई अपनी सर्विस वगैरह जो भी होती है अपने सामने कराया करो, क्योंकि व्हीकल आपका है, ये जैसे जिस बंदे का है वो उसका पर्सनल है, ऐसे ही सब चीज़ आपकी अपनी पर्सनल होती है भाई, उसकी केयर आपके अपने हाथ में होती है, तो ऐसे ही अपनी मैस्ट्रो। तो अब इसकी करते हैं एक छोटी सी राइड और देखते हैं भाई इसमें कैसा पिकअप है, कैसी कमी है। तो दोस्तों ये रही अपनी हीरो की मैस्ट्रो, इसकी ये रही की, इसको करते हैं इंसर्ट और देखते हैं भाई कैसी चलती है कैसी नहीं। तो ये भाई इसका कुछ ऐसा मीटर मतलब कंसोल इसका, तो इसको लेके चलते हैं पहले राइड पे, करते हैं इसको स्टार्ट। इतने आराम से अभी भी स्टार्ट हो जाती है, 4 साल हो गए, 37,000 की चल चुकी है और ऊपर ही चली है, 30,335 किलोमीटर के चल चुकी है अभी तक, और इंजन में कोई नॉइज़ नहीं है। मैं आपको अभी चलाऊँगा जब दिखाऊँगा, एक बस ये वाइज़र में साउंड आती है तो थोड़ा आप समझ जाना इसको। तो लेके चलते हैं इसको यहाँ से। दोस्तों मैं आ गया रोड पे इसको लेकर, अब देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है कैसी नहीं करती। तो थोड़ा सा इसको पहले एक्सलेट करके देखते हैं, और भाई थोड़ा विंड ब्लास्ट आया तो देख लेना उसको, लेकिन भाई पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ऐसा भाई कुछ इसके इंजन का रिस्पांस है, और इससे ज़्यादा तेज मैं इसको नहीं चलाने वाला, क्योंकि मुझे भाई स्कूटियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी होती है, और जिसके पास भाई स्कूटी है वो अच्छे से समझ गया होगा मैं उसे क्या समझाना चाह रहा हूँ। बाकी भाई ये दिक्कत सिर्फ इसी की नहीं है, जितनी भी टू व्हीलर्स होते हैं सब में भाई होती है कि ज़्यादा स्पीड में चलाओगे भाई फिसलने के चांस होते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इनके टायर कंपनी नहीं देती, और इसका तो कुछ वैसे भी पुराना ही हो रखा है। तो इंजन के नॉइज़ को तो आप सुन रहे होंगे, इसमें कोई ज़्यादा इसकी नॉइज़ नहीं आ रही, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंजन की तरफ से भी। 4 साल में यार हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो हो जाती है इंजन के अंदर, लेकिन उस हिसाब से भी काफ़ी वेल मेंटेन इंजन ही हो रखा है। अगर उसमें कंपनी ने वो दिक्कत ना करी होती तो मुझे नहीं लगता भाई इसके इंजन में अभी तक कोई दिक्कत आई होती। 37,000 किलोमीटर ये चल चुके हैं, बाकी बस इसके वाइजर को ही आप देख सकते हो, वही इसका आवाज़ कर रहा है इधर से, और इसको अगर हम यहाँ से बंद कर दें मतलब इसको पकड़ लें यहाँ से, तो फिर इसमें बिल्कुल भी कोई आपको रैकलिंग की भी साउंड नहीं सुनाई देगी, कोई साउंड इसके अंदर नहीं है, और इंजन का रिस्पांस अभी भी इसका भाई एक नंबर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे इसके इंजन में। इसको ज़्यादा भाई अभी भगा के नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑफिस टाइम है तो यहाँ पे भाई ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, और अगर आप भाई इसको सिटी में चलाना चाहते हैं तो भाई इसकी हैंडलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी और भाई ठीक ठाक सी स्कूटी ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, और 4 साल में भाई मुझे तो इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगी है। बाकी इन फ्यूचर कोई आते तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन भाई ये कुछ इस तरीके की है। अगर इसकी करते हैं माइलेज की बात, तो भाई ये जब आई थी, जब इसकी सर्विस वगैरह कंपनी में होती थी, जब उसमें सारी मतलब जो मैंने अभी आपको बताए थे, इसके भाई फिल्टर वगैरह क्लीन नहीं करे थे, वो पूरा चौक हो रखा था, और ऐसे ऐसे इसमें दिक्कत आई थी, तब ये निकालती थी 25-30 की। तो हमें लगता था जैसे सब बोलते थे कि एवरेज भाई इसकी कम होगी, तो मैंने भी इस बंदे को यही कहा था कि भाई स्कूटी की एवरेज कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब इसकी भाई सर्विस करवाई मैंने खुद मार्केट में ले जाकर, और इसके भाई फ़िल्टर वगैरह साफ़ करवाए थे, तो भाई उसके बाद इसने भाई 45+ एवरेज निकली है। खुद मैंने अपने हाथों से चला के इसको मैंने निकाला है, इसकी 45+ एवरेज, लेकिन वो निकलेगी जब जब आप इसको चलाओगे इको मोड के अंदर, मीन्स इकनॉमी। अगर आप इसको भाई 50 के पार मतलब ये जो वाला पॉइंट है 50 से ऊपर लेके जाओगे तो हो सकता है इसकी एवरेज थोड़ी कम हो जाए, लेकिन भाई 60 तक तो बड़े आराम से पहुँचते हैं। देखो इंजन का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा भाई हल्का फुल्का, देखो बिल्कुल भी फालतू की आवाज़ नहीं आती। तो कुछ भाई ऐसा इसका इंजन परफॉर्म करता है, लेकिन
कि भाई बस एक वाइजर में ज़रूर इतने टाइम में साउंड आ गया है, क्योंकि मैंने वो भी आपको बताया था कि जिन जिन सड़कों पे चलिए भाई वहाँ सड़कें कम गड्ढे जाता है, इसलिए थोड़ी बदली है। लेकिन उसके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी इसकी बॉडी है। जो इंजन में इसकी प्रॉब्लम आई थी वो इसके सर्विस सेंटर की वजह से आई थी, तो जो आप ट्रस्ट करते हो भाई कंपनी के सर्विस सेंटरों पर कि हाँ आप वहाँ पर काम कराओगे तो बहुत अच्छा होगा, तो हो सकता है कई बार आप गलत हो, क्योंकि सभी सर्विस सेंटर एक जैसे नहीं होते। लेकिन जो ये काम करता है वो आपकी चीज़ की बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी केयर जैसे आप करते हो, आप सोचो कि आपकी व्हीकल आपको सर्विस होकर बहुत अच्छा मिलेगा, तो भाई भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कई बार भाई वो बिल्कुल इतनी बुरी हालत कर देते हैं आपके व्हीकल की, जो इसकी हुई है बीच रोड पे इसने स्केट मारी थी जिस बंदे की स्कूटी, उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन अब जो हुआ भाई उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन भाई फ्यूचर में आपको भाई गाइड कर सकते, और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब कभी भी आपको ऐसा कुछ हो ज़रूर उसकी वीडियो बना के भाई कंपनी वालों को आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन भाई जब इतनी लेकिन जब इतना कुछ भाई उस बंदे को पता नहीं था जिसकी स्कूटी है, इसलिए भाई ये सारा कुछ उसी बंदे को खुद भाई अपनी जेब से लगा के करना पड़ा। तो भाई मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, 4 साल इसको होगा, जिस हिसाब से मैंने इसको सुना था कि इसका इंजन ऐसा है वैसा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें दिक्कतें नहीं आई हो पाएगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा था बात यही थी सारी कि अगर आप भाई मेस्ट्रो प्लान कर रहे हो तो भाई इन चीज़ों का भाई बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जितनी भी भाई टू व्हीलर्स होते हैं ना इनकी सर्विस तो मेन होती है, लेकिन भाई हम कंपनी के पास जाके सोचते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा। तो यही थी भाई एक छोटी सी राइड मेस्ट्रो की जो मैंने आपको भी करके दिखाई, और ये पूरी वीडियो में भाई बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई अपने व्हीकल की केयर भाई अपने भाई खुद हाथों से खड़ा करो अगर आप उससे प्यार करते हो तो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कंपनी वाले आपकी चीज़ को भाई बहुत अच्छे से करेंगे तो भाई हो सकता है आप गलत हो। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक तो एक ज़रूर बनता है भाई, मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है लाइक वगैरह देख के, और भाई थोड़ा भाई नया चैनल है तो उसको सपोर्ट भी करना और सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलना। तब चलते हैं भाई घर की तरफ और करते हैं आपसे बातचीत। Few moments later. दोस्तों ये थी पूरी हीरो की मेस्ट्रो, जब भी आपने पूरी वीडियो में देखी, अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं तो भाई आप इसको जरूर डेफिनेटली ले सकते हो, इसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना, आप ये भी स्कूटी ले लो या कोई भी जितनी भी अभी इंडिया में अवेलेबल है स्कूटी, आप किसी भी स्कूटी को ले लो, अगर आप भाई उसकी सर्विस टाइम टू टाइम कराओगे तो इंजन भाई ड्यूरेबल हर एक चीज़ का है। लेकिन अगर हम आम शब्दों में बात करें तो भाई इसकी बॉडी थोड़ी मतलब बच जाती है खराब सड़कों पर, लेकिन अगर ये सही रोडों पर चली होती तो शायद इसकी बॉडी की ऐसी हालत ना होती। लेकिन जो इंजन की ये हालत हुई है ये भाई पूरी पूरी कंपनी वालों की देन है, तो अब जो हुआ भाई उस चीज़ को हम बदल तो सकते नहीं थे, क्योंकि वो तो भाई अपनी कमी कभी नहीं मानते। आप किसी भी सर्विस सेंटर में कहीं भी चले जाओ भाई, वो कोई अपनी कमी नहीं मानेगा, पूरा स्टाफ एक साइड हो जाता है और कस्टमर एक साइड हो जाता है, सारी बातें कहने की होती हैं बट हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि अपनी जो भी स्कूटी है जो भी व्हीकल है कार बाइक जो भी है भाई सबकी सर्विस टाइम टू टाइम और तरीके से और जैसे होती है वैसे करवानी चाहिए। तो बाकी भाई पूरी आपने इसमें राइड वगैरह देखी हल्की फुल्की, यहाँ से वाइजर इसका बज रहा था तो वैसे तो और कोई इसमें दिक्कत नहीं थी वाइजर वगैरह से, मेस्ट्रो तो ये ड्यूरेबल है, लेकिन आपकी ड्राइविंग कंडीशंस कैसी हैं आप भाई उनको देखकर थोड़ा इसको प्लान करना, बाकी कमी इसमें कोई नहीं है। अगर आप केयरिंग पर्सन हो अपने व्हीकल के लिए तो ही इसकी तरफ जाना, वरना भाई हो सकता है आपका मन खट्टा हो जाए बाद में, अपना तो भाई सर्विस सेंटर की वजह से हुआ था। बाकी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हीरो की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी भाई अपनी पूरी वीडियो मेस्ट्रो के ऊपर। भाई अगर आपको कोई भी क्वारीज हो या कुछ भी पूछना हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।